नहीं नहीं सही है जी। कल एक पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन के एरिए टक्को पिंड च एक डेड बॉडी साइट हुई सी जिन्हें फर्दर पुलिस ने इमीडिएटली मौके पर पहुँच के वो पहला कब्जा पुलिस ने दिता, उस तो बाद मौका मुलायजा किया गया, बॉडी का एग्जामिनेशन किया गया। जो बॉडी का एग्जामिनेशन किया गया उदों थोड़ा उदी बॉडी इंजरीज करके सस्पेक्टेड सी कि आ सस्पेक्टेड डैथ हैगी, तो फरदर वो इन्वेस्टिगेट करते हुए तो आस पास के एरिए की सर्च की गई तो उस चीज़ तो आ चीज़ सामने आई कि भी जोड़ा डिसीज्ड है दीपक सहगल उदी हत्या की गई सी, तो उदी हत्या से चार लोग इनवॉल्व सके जोड़े प्रवासी मजदूर सके जोड़े उत्तर रहते थे नेड़े ही उसकी लोकेशन पर एक कमरा किराए पर देखे। तो जिड़ी चीज़ सामने आई उस सामने आया कि इन्होंने पहला जदों रात के वेले डिसीज्ड ने उन्होंने कमरे से एंट्री की, उन्होंने सस्पेक्ट किया कि भी कोई चोर हो सकता है, उन्होंने उन्होंने फड़ के उसकी काफ़ी मारकुट की, मारकुट करने तो बाद बन के रखता है। तो जो सवेरे देखा तो ओबियसली उसकी डैथ हो गई सी, तो उस तो बाद उन्होंने बॉडी को साइड पर जोड़ा है वो लोकेशन पर फेंकता, जिदे करके आ पहला एक ब्लाइंड केस नज़र आ रहा है। फरदर साड़ी टीम ने इन सीसीटीवी की हेल्प न ते लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके ते आस पास का एरिया सर्च करके ते जो चार अक्यूज आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने तो बाद क्योंकि अक्यूज बजते फिर आग से बट फिर भी क्विक रेस्पॉन्स करके इन्होंने चारा काबू किया गया ते अरेस्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सर भी इदा मतलब कि कपड़े चेंज किए हुए जी, इदा का इंसीडेंट जोड़ा है सामने आया है वह भी फर्दर इन्वेस्टिगेट साड़ी टीम कर रही हैगी, जिदे इन्होंने जो बनया से उस तो बाद जो बाहर बॉडी इन्होंने साइड पर फेंकी हैगी उदों ये क्लॉस चेंज करके जोड़ा है उन्होंने बॉडी फेंकती, सो दैट कि उपरों कोई दिखे ना कि भी ये कोई इंजरीज इस तरीके की चीज़ हैगी या कोई कपड़िया भी कोई मार्क्स या इस तरीके की चीज़ ना दिखे तो बारहों नीट एंड क्लीन दिखे। नहीं 5000 रुपये की लुट की गल सामने नहीं आई है कि बेसिकली आ बंदा अपने घर तो 5000 रुपये लेके निकला सीगा 19 तारीख में, तो घरों आ कह के निकला सीगा कि भी मैं मोबाइल फोन की सिम लेन जा रहा है, तो फरदर जोड़ा है डिफरेंट लोकेशन पर मूव कर रहा है। ये चीज़ के संबंध में एक रीसेंटली कल ही एक इनफैक्ट की डैथ रिपोर्ट होने तो पहला भी एक वीडियो भी वायरल हुई सी जिदे डिसीज जोड़ा है एक कचरे के ढेर से बैठ के एक इंटरव्यू दे रहा है, तो उसके भी इन्होंने दसाया कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां करके ट्रबल्ड है आ सस्पेक्टेड है इस चीज़ में कि भी जोड़े 5000 रुपये घरों लेके आया सीगा हो सकता है वो पैसे तो खोन वास्ते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिता हो, लेकिन जी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन साड़ी हैगी गल सामने आई है कि आ उन्होंने क्वार्टर वाल गया तो मे बी बाद कोई इस तरीके की चीज़ सामने आई हो कि पैसे खो लेते हो या कोई झगड़ा हो गया हो या इदा की कोई गल वो असं फरदर इन्वेस्टिगेट करा सारा तो वक्रा वक्रा वेरीफाई करके पूछताछ करके उन्होंने एज पर फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन चलिए। नहीं नहीं कोई भी रोल किसी का भी कोई रोल जो आड़ती है या किसी का कोई रोल इस चीज़ सामने नहीं आया, जी इन्वेस्टिगेशन साड़ी हैगी इनफैक्ट उत्तों सानू हेल्प मिल गई कि आ कितने बॉडी सी कितों उन्हें जोड़ा है वो क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि इतों मतलब उसके बंद ने उन्होंने दसाया कि भी वो बॉडी उतों चेंज करके लोकेशन उस थान पर रखी गई सी, उसकी इन्नी जिम्मेवारी जरूर है कि उन्होंने पुलिस को इनफॉर्मेशन इमीडिएटली दे देनी चाहिए सी, उन्हें थोड़ी जी डिलेड इनफॉर्मेशन पुलिस को दी। नहीं इस तरीके की कोई गल सामने नहीं आई कि भी उन्होंने किसी ने दसाया हो कि कोई चोर फड़ लिया है इदा, तो मेरे ख्याल वो फार्म नहीं है शायद कोई इन्हों की फैक्ट्रीज वगैरह है जिससे वो अलग रहते हैं कि बंदे जो फड़े है तो वो बंदा अलग मतलब डिफरेंट आइडेंटिटीज है, बट फिर भी फर्दर असं इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि भी इन्होंने कोई किसी इंटीमेट किया होगा मन लगता इंटीमेट किया होना सगा तो इस बंद की जान भी बच सकती सी तो इन्नी बड़ी वारदात होने तो बचाव हो सकता। हाँ जी आज जो है मजदूर है प्रवासी है सारे तीन इन्हों बिहार के रहने वाले है एक नेपाल का नहीं मृतक जोड़ा है वो प्रवासी नहीं है वो आइडेंटिफिकेशन जी है जीजे तो जोड़ा है आइडेंटिफिकेशन हुई हैगी तो मोहाली तो जलंधर का रिहायश आया है तो लुधियाने से भी फैमिली रहती है मेरे सामने। सर जो फड़े गए उन्होंने कोई केस वगैरह जो रोपी फड़े उन्होंने कोई पहला कोई केस है
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਜ ਆਫ ਨਾਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਫੈਮਿਲੀ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵਾਈਫ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਜ ਆਫ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਫ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 5000 ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਜੀਜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗਾ।